नमस्कार साथियों, आज हम आपको सूर्य का रत्न माणिक के संबंध में बताएंगे और साथ ही साथ उसके असली होने की क्या पहचान है, कैसे आप पहचानेंगे ये माणिक असली है या फिर नकली। तो साथियों, सूर्य का रत्न माणिक सिंह राशि वालों को पहनना चाहिए, जिनका सूर्य कमजोर है उन्हें पहनना चाहिए, और जो शासन सत्ता के लाभ के लिए जो है विचार रखते हैं या लाभ चाहते हैं उनको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। साथियों, माणिक रत्न की पहचान जो है वो नंबर एक ये है कि माणिक रत्न यदि गाय के दूध में रख दिया जाए तो दूध का रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है। दूसरी पहचान है माणिक रत्न की कि यदि माणिक रत्न को कमल की कली पर आप रख दें तो कली खिल जाती है। तीसरी पहचान ये है माणिक रत्न की कि यदि आप माणिक रत्न को कांच के बर्तन में रखें तो उसमें से लाल गुलाबी कलर रंग की किरणें निकलती हैं। और चौथी पहचान यह है कि यदि माणिक रत्न को चांदी के बर्तन में रखें तो उसमें से लाल या गुलाबी रंग की किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार से आप माणिक रत्न के असली होने की पहचान कर सकते हैं और बाजार में माणिक रत्न के नाम पर कुछ और बेचने वालों से सावधान भी रह सकते हैं। तो साथियों, पहचान करें माणिक रत्न की और लाभ लें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।